जय श्रीमन नारायण। ए पर जे टिप्पणी हम करे जा रहे बा रामानुजदास श्रीमान गट्टू बेणु गोपाल स्वामी जी के द्वारा दिहल गयल बा। अध्याय 10 विभूत योग श्लोक 26। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीनां च नारदः गंधर्वानां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। ओम गीताचार श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन समेत हमनी सब के विभूत योग सिखा रहल बानी। परमात्मा कह रहल बाड़न अर्जुन, हम पवित्र अंजीर के पेड़ हई। हम सब पेड़ पौधन में सबसे आदरणीय बानी। देव ऋषियन में नारद बानी। हम गंधर्व लोग में चित्ररथ हई। सिद्धन में हम कपिल हई। पवित्र अंजीर के पेड़ परिजात औरन पेड़ से अधिक पूजनी होला। ई अंजीर के पेड़ के अंकुर छाल शाखाएं और पत्तियां सब पूजा जैसन पवित्र गतिविधि में उपयोग होला। श्री कृष्ण परमात्मा कह रहल बानी कि ऊ अंजीर के पेड़ हई और ऊ आपन उच्च गुणवत्ता ऊ अंजीर के पेड़ में रखले रहले। नारद ऊ दिव्य ऋषियन में से एक बाड़न जे हर समय दुनिया भर में घूमत बाड़े। विश्व के कल्याण खातिर लगातार श्रीमन नारायण के दिव्य नमन के जाप करत रहे और श्रीमन नारायण के सर्वोच्चता भी स्थापित करत रहे। श्री कृष्ण परमात्मा कह रहल बानी कि ऊ नारद बानी और नारद ने आपन तत्व बहुता में उवन में रखले वाले। कपिल आदि विद्वंस सिद्धि के रूप में जानल जाला और वेद में एकर प्रशंसा भयल बा और श्रीमन नारायण के अवतार में से एगो भी बा। श्री कृष्ण परमात्मा कह रहल बानी कि ऊ कपिल हई और ऊ आपन उच्च गुणवत्ता उनमें रखले वाले। ता जब भी हमनी के पवित्र अंजीर के वृक्ष देखनी आ सुननी, जब भी नारद के नाम सुननी, जब भी चित्रा राधा के नाम सुननी और जब भी कपिल के नाम सुननी, ता श्री कृष्ण परमात्मा के उपदेश के याद करी, ता हमनी के ओ श्री कृष्ण परमात्मा के उच्च स्वरूप के देखे के कोशिश कहल जाए। श्री कृष्ण परमात्मा आ श्रीमन नारायण के सामने समर्पण करत आपन जीवन के सार्थक बनावे के प्रयास करत हमनी के श्री कृष्ण परमात्मा के वचन के श्लोक के रूप में दोहरावे के कोशिश कहिल जाए। अश्वत्थ सर्व वृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। श्रीमन्नारायणा करिष्ये वचनं तव सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद्भगवद् गीता का पूरा सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 काम करे खातिर दिले बाड़े। श्री कृष्ण कहले, हम ओ लोगन से प्रेम करनी जो लोग इन 8 बातन के मान तारे। हम ओ भक्तन के हर तरह से रक्षा करब। श्री कृष्ण परमात्मा के द्वारा बोलल गईल संपूर्ण भगवद गीता सुनला के बाद अर्जुन कहले, करिष्ये वचनम त्वा, जेके मतलब बा कृष्ण मैं उही करब जौन आप कही। यही कारण बा श्री कृष्ण अर्जुन के हर तरह के सफलता आ विजय प्रदान करेले। आई परमात्मा के अपन व्रत देई कि हमनी के ये 8 गौ कर्म के पालन करी जा। ई वचन परमात्मा के देवे से बड़न कौनो पूजा तपस्या यज्ञ नहीं। हम 8 प्रण कहब जौन हमनी के करे के चाही। आप सब कृपया इन्हन के आपन दिमाग और दिल में सोची। श्री कृष्ण के आपन वचन देवे के ई तरीका में हमनी सबकी कल्पना करे के चाही कि श्री कृष्ण का चेहरा खुशी से चमकत बा और खुशी के एहसास करत बा। जय श्रीमन नारायण। यहाँ हमनी के 8 वादा बा। हमनी के पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका निर्देश के मुताबिक हम हमेशा तोहार ध्यान करब और तोहार बारे में सोचब। हमनी के दूसर वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका सलाह का अनुसार हम हमेशा आपका भक्त रहब। हमनी के तीसर वादा,
हे श्रीमन नारायण, हम आपन सब काम तोहरा सेवा के रूप में और तोहरा संतुष्टि खातिर करब। अमनी के चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैस की आप माने के कहले रहलू, हमरा बहुत विश्वास हुआ कि हम आपके होई और हम हमेशा आपन दोनों हाथ जोड़ के आपके नमस्कार करब और आपकी पूजा करब। अमनी के पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोरा बात माम एकम शरणम ब्रज 1866 याद कहले, जहां आप हमरा के आपन का अर्पित करे का कहा। श्रीमन नारायण, मैं हमेशा तोरे शरण में रहब। अमनी के छठवा वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोहरा बात माँ सुचहा 1866 याद कहले, कि आप हमनी के शोक ना करे का आश्वासन दे रहे बड़े, हम अब और शोक ना करब। हमनी के सातवा वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरा खातिर श्रीमद भगवत गीता के वितरण करके हम सबके कृपा कहले और आशीर्वाद दहले बा। हम वादा करत बानी कि रोजाना कम से कम एक श्लोक पढ़ब या सुनब। हमनी के आठवा वादा, हे श्रीमन नारायण, आप गीता के पूरा मानवता तक ले गएलू, हम गीता में आपके दिव्य वचन के उन भक्तन तक पहुँचावे के प्रयास करब जे गीता से अपरिचित बा। हे श्रीमन नारायण, हम उई करम जौन तू करे का कहब, हम ऐसन विहार करब जैसन आप चाहत बानी और हम खाली आपका खातिर काम करब। श्रीमन नारायण के रोज आपन वचन देहल कि हम उई करब जैस आप कहत बानी, ई अपने आप में बड़न पूजा बा। श्रीमन नारायण करशे वचनम त्वा, श्रीमन नारायण हम तोरे निर्देश के मुताबिक काम करब। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। जय श्रीमन नारायण। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। ओम अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। सब भक्त लोगों से विशेष अनुरोध बा, जीवन में हर चीज में हमनी के तत्कालिक और प्रभावशाली परिणाम के अपेक्षा रहला, एकरा खातिर आइए रोजाना एक मिनट के समय निकालल जाए और नारायण आश्रम पढ़ल जाए। नारायण आश्रम प्राप्त करे खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट पर जाई, जो www.narayanashram.org है, और पंजीकरण में आपन नाम और ईमेल दर्ज करें। आपके द्वारा प्रदान कैल गईल ईमेल पर आपका एक नारायण आश्रम PDF प्राप्त हुई। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामम बा। ये तीनों के मिल के नारायण आश्रम कहल जाला। हर व्यक्ति के इस श्लोक के अलग अलग संयोजन मिलेला। जब हर कोई 24,000 भक्तन के साथ रोजाना आपन नारायण आश्रम पढ़त आ सुनत बा, ता हर दिन संपूर्ण रामायण का एक दौर, श्रीमद् भगवत गीता पुराण के 33 दौर और श्री विष्णु सहस्रनाम स्त्रोत पुराण के 24 दौर प्रतिदिन पूरा होयला। ई एक बहुत ही उल्लेखनीय और विलक्षण परिणाम बा, जौन हर एक दिन ऐश्करे से निकलेला। ई कारण बा कि आप और आपके परिवार के सदस्य तुरते जाके आपन नारायण आश्रम प्राप्त करी। जय श्रीमन नारायण।